इट्स मी राजस्थानी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में क्या आपको पता है कि मैं अपने किचन में क्या कर रही हूँ, कौन सी चीज बनाने वाली हूँ? गैस करो, पी के साथ होता है। 3, 2, 1। क्या मैंने गैस किया? मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। मुझे इसलिए पास्ता बनाना था क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पास्ता बनाऊं और आपको भी दिखाऊं कि पास्ता कैसे बनता है। अगर आपको नहीं आता पास्ता कैसे बनता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं आपको आगे बताऊंगी ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं और सब भी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर बताने वाली हूँ कि हम कैसे पास्ता बनाते हैं, इनका इंग्रेडिएंट्स का नाम क्या है और कौन सी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ना इस पानी को ना बॉईल करने देती हूँ। मैं वेट करती हूँ 10 to 15 minutes और फ्रेंड्स लगता है ये बॉईल हो गया ऑलरेडी। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 cup पास्ता। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 cup पास्ता। बट ध्यान से बहुत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, लगता है मैंने सारा डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा डाल दिया है। मैं वेट करूँगी 10 to 15 minutes और दोबारा से। और फ्रेंड्स, मैं आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी थोड़े देर पहले जब ये बॉईल होगा, ठीक है? 10 minutes later। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ ये क्या था, चेदर चीज थी और ये मोज़रेला चीज, ये है हम चिली फ्लेक्स और इसके साथ है सॉल्ट। और फ्रेंड्स, ये है चिली ऑयल, क्रीम, गार्लिक और लास्टली ये है टोमेटो केचप। तो फ्रेंड्स, अब मैं देखती हूँ क्या मेरा पास्ता रेडी हो गया। खोलो, दिखाऊं आपको, खोलो। अच्छा ठीक है, मैंने इसको खोल लिया। और फ्रेंड्स, ये बहुत यम्मी लग रहा है, मन कर रहा कि बस ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, तो मैंने पैन को सेट कर लिया। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी, ठीक है? फ्रेंड्स, हमने सारा मैंने डाल दिया। अब मैं इसको बर्न करूंगी ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। और फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी 2 tablespoons ऑफ डार्क गार्लिक। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और फ्रेंड्स, अब मैंने डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करूंगा तेल ये ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आराम से, ओह माय गॉड, ये बहुत सारी नोक करता है, ठीक है? ओके ओके। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं इसकी। ओह माय गॉड, ओह सॉरी। तो इसकी फ्रेंड बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं इसको मिक्स करूंगी तो ये ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से ब्राउन कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी 6 tablespoons टोमेटो केचप। मैं इसको अच्छे से डालूंगी। और फ्रेंड्स, मुझे टोमेटो केचप बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं स्पेशल लास्ट से इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। वाओ, और अब फ्रेंड्स, लगता है ये अच्छे से हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब मैं डालूंगी 2 tablespoons चिली ऑयल। और अब फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है यार, मन कर रहा है 1 minute में इसको खाया जाऊं। ओके, अच्छे से हो रहा है। ओके 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 ओके। और अब फ्रेंड्स, लगता है अच्छे से हो रहा है और ब्राउन भी हो रहा है थोड़ा सा।
A few moments later. तो फ्रेंड्स लगता है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अब फ्रेंड्स अब मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून ये सॉल्ट और ये चिली फ्लेक्स, मैं इसको पूरा डालूंगी और फ्रेंड्स अब मैं इसको मिक्स करूंगी क्योंकि मिक्स करूं ओह माय गॉड फ्रेंड्स ये बहुत डिलीशियस लग रहा है ओह माय गॉड तो फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फ्रेंड्स मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फ्रेंड्स अब मैं डालूंगी 6 टेबल स्पून क्रीम या मैं बोल सकती हूँ डेरी मिल्क डेरी क्रीम हाँ ओके इसे डालूंगी इसे पूरा डालूंगी ओके थोड़ा सा हार्ड हो रहा है क्योंकि ये स्टिकी हो गई है तो फ्रेंड्स ये बहुत हार्ड हो रही है ओके फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा हो रहा है मैंने ज्यादा ही डाले उस थोड़ा सा हार्ड में डाल दिया बस कोई बात नहीं के वाओ क्रीम तो इस सॉस में तो लग गई और इसका कलर बहुत अच्छा है इसका कलर बहुत ही अच्छा है ये और थोड़ा सा ऑरेंज हो रहा है और थोड़ा सा हाँ रेड हो रहा है ओह यम्मी ये सॉस भी बदल गया है और जी गाइस ये तो सॉस भी बदल गया है into sauce olive sauce so elegant so beautiful just looking like a wow तो friends मेरी sauce done हो ready हो गई है और अब मैं ये sauce मेरी pasta के अंदर डालूंगी मुझे ये उठाना wait spatula उतार दे उतार और अब मैं इसको पूरा डालूंगी पूरा oh my god oh my god oh my god तो फ्रेंड्स अब मैं इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूंगी वाओ मेरे मुंह पे तो पानी आ गया ओह माय गॉडनेस दिस इज टोटली सो गुड एंड यम्मी और मजेदार तो फ्रेंड्स जब मैं मुझे कुकिंग करना है तो सबसे पहले मैं एक शो करती हूँ क्या मेरे पास सब इंग्रेडिएंट्स है या फिर नहीं अगर नहीं है मैं फिर मैं जा सकती हूँ और खरीद सकती हूँ और फ्रेंड्स अगर आपने नहीं चेक किया कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स है या फिर नहीं तो ना अब खाने के अंदर ना कुछ कमी रह जाएगी तो फ्रेंड्स मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देती तो फ्रेंड्स कमेंट करो कि आपका फेवरेट फूड क्या है पास्ता या फिर क्या ओ हाँ पिज्जा पास्ता या पिज्जा Do you know my pasta is ready now? मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और मैंने इसको फ्लेम भी ऑफ कर दिया ताकि ये जले ना और फ्रेंड्स अब मैं इसको खाऊंगी बस तो पहले मुझे अपने पास्ते को डिश करना होगा मुझे इसको यहाँ इसके अंदर रखना होगा फिर मैं इसको टेस्ट करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे टेस्ट है तो मुझे इसके लिए एक भरा चम्मच आया और केयरफुल हाँ अच्छा सा तो फ्रेंड्स मैंने इस पास्ता को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और फ्रेंड्स मैंने मिडल में बस चिली ये चिली ऑयल डाल दिया और फ्रेंड्स मैंने लेप भी डाल दिया ताकि ये अच्छी लुक दे डेकोरेशन के लिए और फ्रेंड्स खाने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह बोलूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा लगा टेस्टी भी मुझे नहीं पता था कि एक पास्ता बहुत अच्छा होगा प्लीज आप करना लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट और अब अल्लाह हाफिज़ टेक केयर गुड बाय